मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज अचानक राजभवन पहुंचने से बिहार की राजनीतिक तापमान कड़ाके की ठंड में गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपने करीबी वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन में दाखिल हो गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं गर्म हो गई। नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अचानक राजभवन की ओर रवाना हो गए। नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से तकरीबन 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की, लेकिन यह किस तरह की बातचीत हुई, क्या मुद्दा था, यह सभी बातों को अभी सामने आना बाकी है। वैसे इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसी तरह की सियासत उलट फेर की बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की औपचारिक मुलाकात थी, इसका कोई गलत मायने नहीं निकालना चाहिए। वैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 5 जनवरी बजट सत्र की शुरुआत समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के राज्यपाल से मुलाकात की बात बताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात से पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में खेला होवे वाली ट्वीट कर इस पूरे मुलाकात को एक चर्चा का विषय बना दिया है।